ये देखिए क्या बन रहा है भाई, हिमाद्री और वंशिया क्या बना रहे हैं? केक। वाह, अच्छा सुंदर सुंदर डिजाइन्स बन रहे हैं। मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से रामनगर आई हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि कोसी की तरफ ना जाएं। तो आज हम गए हैं कोसी साइड और फर्स्ट टाइम हैरी गया है कोसी साइड और इतना एंजॉय कर रहा है, आपको दिखाती हूँ। रेत में बहुत खेल रहा है आज, वैसे मैंने उसे नहलाया भी था तो नहाने की तो आज वाट लग गई, वो अच्छे से गंदा हो जाएगा। अब कल तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, देखती हूँ नहला पाती हूँ नहीं नहला पाती, तो फिर इसके पापा मतलब मिस्टर प्रदीप पर नहलाएंगे जब नहलाना होगा। तो हमने कहा चलो आज उसे इंजॉय करने देते हैं, दो तीन डॉग्स और हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आप खुद कितनी रेत रेत बालू सा हो रहा है तो इसमें उसे बहुत अच्छा सा लग रहा है। एक डॉग ये है और एक डॉग उधर है। तो चलिए फिर मैं आपके साथ यहाँ की थोड़े प्राकृतिक दृश्यों की वीडियो शेयर करती हूँ। ये देखिए कितना दौड़ने में लगा हुआ है हैरी बच्चों के साथ, कितना मज़ा आ रहा है। हिमाद्री है, वंशी का है, रोहित लेके आया है। रोहित देखिए देखते देखते कितना बड़ा हो गया है, कितना छोटा सा आया था। और ये देखिए हैरी, हैरी मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहा है हैरी। ये कूदना शुरू, कूदने लगता है एकदम। हैरी 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 कोसी के किनारे एंजॉय कर रहा है, खूब दौड़ रहा है, मजा आ रहा है हैरी को। ये देखिए कितना, मम्मी मम्मी मुझे घुमा दिया इन लोगों ने। अरे भैया मेरा भरता बना दोगे क्या? बाप रे, मुझे ही हिला के रख दिया इन लोगों ने अच्छे से। कैसा कर रहे थे, कितना अच्छा सीन लग रहा है ना, फोटो भी कितनी मस्त आ रही है। हैरी को इधर दिखाओ, हैरी एक फोटो शूट हो जाए। हैरी 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 उधर डॉग भौंक रहा है ना, उसे ही देख रहा है। हैरी 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 ये थंबनेल के लिए परफेक्ट पिक है। ये देखिए, ये यहाँ खोल लो, नहीं सॉक्स खोलो। ये देखिए, ओ हो हो, दो दोस्तों की मुलाकात। ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तो फ्रेंडशिप हो जाए फिर। अरे वाह, कितना घुल रहे हैं दोनों, जोरदार सीन दोनों के। कितना मजा आ रहा है, दोनों को ही मजा आ रहा है। कोसी नदी है, काफ़ी शांत सी हो रही है समय, बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है। और आज देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे गर्मियों के दिन आ गए हैं। वैसे हमने वुलन पहन रखा है लेकिन मैंने खाली आज कुर्ती नहीं पहनी है, वुलन कॉटन की ही पहन रखी है और बस एक स्वेटर डाल लिया। दिन में मैंने वो भी नहीं पहना था क्योंकि मौसम अच्छा सा हो रहा था। हाँ, मंदिर गई थी मैं ज़रा आज, तो दर्शन करने ही थे। क्यों अब पता नहीं ये ब्लॉग मेरा कब आएगा, जब भी आएगा, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है और शिवरात्रि भी है, तो कंबाइंड था, तो आज दर्शन करने तो बनते ही थे। अब कम से कम मैरिज एनिवर्सरी में और जन्मदिन में मंदिर चले ही जाना चाहिए जब भी मौका लगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का पानी हो रहा है, शांत हो रही है, ज़्यादा चौड़ी भी नहीं हो रही है क्योंकि इस बार बारिश भी नहीं हो, वरना खूब बारिश होती थी जाड़ों में भी, लेकिन इस बार नहीं हो पाई। तो इस बार तो पक्का बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी पड़ने वाली है, जून में और जुलाई में हालत ख़राब होगी। क्योंकि मैं नैनीताल डेली जॉब करने के लिए भी जाती हूँ, तो दिन में धूप में अगर बैठ जाओ ना हालत ख़राब हो जाती है ना, वहाँ इतना ठंडा हो रहा है। तो इस बार बहुत गर्मी होगी क्योंकि बारिश नहीं हुई है। मतलब बारिश भी ज़रूरी है, गर्मी भी ज़रूरी है, ठंड भी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ ना मतलब बैलेंस होके हो तो अच्छा है, कम ज़्यादा होना प्रॉब्लम करता ही है। तो बस थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई आपके साथ शेयर करी, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार एंड बाय बाय।